खबर मिल रही है कानपुर में घर में धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से मकान गिर गया जिसमें दबकर दो लोगों की मौत हो गई। दो लोग घायल बताए जा रहे हैं जबकि कुछ लोग लापता भी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस घर में पटाखे की अवैध फैक्ट्री थी। आसपास के तीन घरों को धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कि बहुत तेजी धमाका है, इसमें तीन चार घर भी चले गए हैं जी। अभी दो बॉडियाँ निकल चुकी हैं, अभी ITP के फोर्स लगे हुए हैं निकालने के लिए। जो भी क्या है दबे हैं कितने लोग इसमें कोई जानकारी भी नहीं है। क्या काम चल रहा था यहाँ पर? शायद इसमें वो बन रहे थे दिवाली का, वो सब जो बनता है पटाखे वगैरह जो भी। विस्फोट हुआ, काफ़ी तेज हुआ था। अब कुछ बता नहीं सकते, घर के अंदर क्या काम हो रहा है तो कोई बता नहीं सकता ना। कितने लोग दबे हैं अंदर? अभी दो लोग की डेड बॉडी निकली हुई है, दो लोग हॉस्पिटल पे गए। अभी पता नहीं कितने घर के लोग अंदर बना रहे थे बैठ के। चार लोग निकाले गए? हाँ, अभी चार लोग निकले हुए हैं। तो दो लोगों की मौत हो गई है, दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। जोरदार ये धमाका हुआ। और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आर्यन अग्रवाल, इस वक्त हमारे साथ हैं। आर्यन, क्या डिटेल्स अभी तक मिल पाई है? UP ATS की टीम जांच के लिए पहुंची हुई है, शुरुआती जांच क्या कह रही है? देखिए, कानपुर का बिस्किट एरिया है तो जो आशंका है आसपास के लोगों का भी कहना है यहाँ पे अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम होता था। लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ है, ये जिसमें फैक्ट्री चल रही थी मकान पर तर्क हुआ है और आसपास के पांच और मकान बिल्कुल ताश के पत्ते तक बिखर गए हैं, इतना बूद हो गए हैं। उससे लगता है कि ये जो एक्सप्लोसिव है ये पटाखे जैसा हो इसकी संभावना बहुत कम ही, क्योंकि धमाके की जो नुकसान हो सकता है अगर एक्सप्लोसिव है तो बहुत ज्यादा घातक है। तो बहरहाल अभी इसकी जांच होगी, वहां जो बारूद कहां बरामद होंगे उसकी उनकी फॉरेंसिक जांच होगी। बहरहाल जो दो बॉडी तो निकल चुकी हैं और चूंकि पांच छह मकान इसमें ध्वस्त हुए हैं तो मकान के अंदर कितने लोग थे इससे अनुमान लग रहा है कि जो मरने वाले हैं घायलों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। बहरहाल दो बॉडी निकली है और दो लोगों को जिंदा निकाला गया है जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है। जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्थानीय नागरिक है वो भी मदद में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी चूंकि अभी हाल ही घटना है इससे बहुत ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है।